कोर्स नहीं उठाएगा, झूठ जो बोल रहा है झूठ पकड़ा जाएगा ना। मतलब यार आई कॉन्ट बिलीव के किसी की भी शादी में घुस के तस्वीर खिंचवा लो। फोन कहाँ है मेरा? फोन फोन जी, किसने रखा जी? पता नहीं। किसकी दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हो? मेरी मेरी दुल्हन है। राइट। अब तो तुम ये भी कहोगे कि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। नो, आई एम मैरिड ऑनेस्टली। अब्दुल्ला, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि इतने अर्जेंट बेसिस पे दुल्हन मिलती कहाँ से? तुमने तुमने कहा था ना शादी कर लो, ढूंढ ली। अब्दुल्ला प्लीज यार, अब बस कर दो मजाक, मुझे बताओ असल बात क्या है। सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा। आओ वीडियो कॉल पर आओ। अब तो तुम करो, मुझे देखनी है। ये माजबीन अस्सलाम वालेकुम। हाय आया यकीन? अब्दुल्ला ये कहाँ से लाए हो तुम दुल्हन? तुमने कहा था ना ऐसी लड़की से शादी करो जो जो तुमसे नीचे की हो, जिसका मैं ख्याल रखूं। ढूंढ ली अपने लिए। अब्दुल्ला मुझे सच सच बताओ कौन है ये हमारे मुंशी जी की बेटी है। आज शादी थी इसकी, इसका दूल्हा छोड़ के चला गया। इसको बोलता है भी वो बहुत बड़ी फूल है, डम्ब है। मैंने की है शादी फिर इससे। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बताओ बताओ क्या हुआ, बोलो। वो ना एक बात याद आ गई थी, पुरानी बात। क्या? हमारे ना स्कूल में रुपए वाला सिक्का होता था और चीज ब्रेक में ना सब जाते थे चीज लेने के लिए, और थकम थकी होती थी बहुत। मालन थी तो वो छोटी सी रेड़ी लगाती थी और उस पर चीज़ें बेचती थी। और हाँ, तो थकम थकी होती थी और सब ना मुझे धक्का देखे खुद चीज़ें ले लेते थे अपनी। मेरी कभी बारी नहीं आती थी और बेल बज जाती थी और कभी बारी नहीं आती थी। 4 दिन ऐसे गुजर गए और 5वें दिन ना मैंने हिम्मत करके मैं घुस गई। मैं बड़ा खुश हुई थी, पीछे से एक लड़की ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे मेरे हाथ में जो सिक्के थे ना वो मालिन की टॉफियों वाली टोकरी में गिर गए। मैंने हाथ बढ़ा के फौरन से अपने सिक्के उठाने चाहे तो मालिन ने जोर से मुझे थप्पड़ मारा मुंह पे। दिन तक मैं यहाँ पे सो जा रहा था और मेरे पैसे भी सारे गिर गए थे।
मैं रोती रोती क्लास में गई। तो मुझे बात याद आ गई, वो आप अपनी लव से ना, आप ठीक कह रहे थे अपनी लव से कि मैं फूल हूं और मैं लूजर भी।